हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है 9:15 और गाइस सुबह से मेरे पापा जा रहे हैं मस्त नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने मिशन पे। छतर पूजा रहे हैं बब्बा जी की और जमीन की पैसे है। वहाँ जब जाएंगे तो ये बंदूक भी ले जाएंगे, इसकी जरूरत पड़ती है। वहाँ रास्ते में शेर वेर रहते हैं तो अपन जमीन में मार दो तो शेर दहशत में भग जाते हैं, उनको नहीं मारते क्योंकि वो अपने देश की धरोहर है। अच्छा, हाँ शेर को मारते नहीं है कि वो दहशत देते हैं। अच्छा अच्छा, सुरक्षा के लिए अच्छी रहती। कोई चोर उच्चे भग जाते हैं तो वो भी यार देख लेते हैं, अरे बंदूक भग जाते हैं। भले उनके पास तोप के गोले हुए क्यों? अरे उनके पास कुछ नहीं रहते बेटे, उनके पास धोखा के अलावा कुछ नहीं रहता है, वो धोखा करते हैं हमेशा। मतलब कुछ भी माँ पापा जाने लगे कुछ भी। अच्छा अभी खाना खाएंगे? ओ पहले नीचे जाके खाना खाएंगे फिर बाद में जाएंगे, तो मिलते हैं जब भी जब वो जाएंगे। गाइस तो मेरे बब्बा जी और पापा निकल चुके हैं देखो, और मैं थोड़ा लेट हो गया ब्लॉग बनाने में, इतने लोग निकल ही गए ये बताती नहीं है। हम इतना अच्छा अंदर टीवी देख रहे थे इस चद्दर के अंदर घुस के, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी ठंड के मारे, और मैं देख रहा था मस्त इंडियन हैकर की वीडियो, और जहाँ पे मम्मी बोलती हैं जल्दी आओ से, वो लोग जा रहे हैं, तो हमने कहा अरे तो हम आ गए जल्दी से, तो वह वो लोग चलेगा अपन लोग मस्त देखते हैं अपनी वीडियो। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो गाइस आज की पूजा हो रही है, आपको दिखा दो। गाइस यहाँ पुजारी की पूजा हो रही है, गाइस देख सकते हैं यहाँ पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। ये बत्ती सीधी क्यों नहीं होती? गाइस बत्ती सीधी नहीं हो रही उसकी, नीचे से उठा के उसको फैला दो, हाथ गंदे हो जाएंगे तो हाथ को मल लेना एक दूसरे से। कैसे जला दे? वो नहीं जलेगी ऐसे, अभी खड़ी हो गई थी तो क्यों कर दिया? टेढ़ी मेढ़ी अगरबत्ती क्यों बनाती? हम बनाते क्या पागल सा, उसको जमा के हम लोग बिठालते हैं कौन ऐसी, बस हो गया फिर जला दो पागल कहीं का, करते रहो पागलपन की। और हम चलते हैं गाइस, हमारी चाय बन चुकी है, ठंड पता नहीं क्यों लौट लौट कर आ रही है। गाइस आप देखिए मेरा एक किलो पूरा एक किलो घी बन चुका है और जम चुका है, रात में बना लिया था हमने। हाँ, क्या हुआ? थोड़ी नहीं हो, वो नहीं होगी, हम कह रहे हैं ना थोड़ा दबा दो उसको या फिर उसको फैला दो नीचे से। गाइस हमारी चाय बन चुकी है, ये देखिए गर्मा गर्म चाय, तो पीते हैं चाय साथ में बिस्किट भी। फिर थोड़ा सोच रहे हैं, पापा की तबीयत ठीक हो गई है, 3 दिन हो गए हैं उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, नहीं तो अभी गाइस 2-3 महीने हो गए हैं सुनते, आज ये प्रॉब्लम आज वो प्रॉब्लम आज वो प्रॉब्लम। आज बहुत अच्छा लग रहा है, जब कल हमारी रात में पापा से भी बात हुई थी शाम के टाइम, और आज सुबह हो गया जल गई, चलो बढ़िया है। ये। क्या चाहिए पार्टी? चाय पार्टी। गाइस से पूजा कर रहा हूँ, चाय पार्टी क्या कर, क्या चाहिए? चाय पार्टी पूजा कर ले। मन लगा कर पूजा कर ले, चाय पार्टी बाद में करना। जय जय श्री राम। चल पूजा कर अपना मन लगा के, बीच में आ गए बताया भरा। तो मैं अपनी चाय छान लूं लेते हैं, पागल हो गया क्या? चाय लेकर चलते हैं। ओह
डेट तो गिर रही है। यहाँ पे देखा पका हुआ आम है जो कि काफी सख्त और यहाँ पे कच्चा भी है। तो मिलते हैं गाइस चाय पीने के बाद। गाइस तो मैंने अपनी पूजा कर ली है कंप्लीट और अब मैं जा रहा हूँ मम्मा को छोड़ने के लिए नानी के यहाँ, क्योंकि नानी अकेली है तो वो कह रही है कि मैं बोर हो रही हूँ तो मम्मी को भेज दो, तो मैं मम्मी को छोड़ने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं भाई, मेरी चप्पल है मस्त यहाँ पे। तो गाइस चलो चलते हैं, आज तो भाई ठंडी हो रही है तो मैंने बस जैकेट पहन लिया, देखो नहीं तो हाफ में घूमता था मस्त। तो चलो जल्दी से चलते हैं गाइस, मिलते हैं आप लोग से नानी के यहाँ। गाइस आप अब देखो हमारे पिताश्री को क्या चाय पिव रही है ना। और क्या चाय पिव रही है। जब आते थे तो लेटे मिलते थे गाइस, देख कल जबलपुर होकर आ गए हैं, कल जबलपुर होकर आ गए, कल जबलपुर घूमाए। हाँ और अब तो वैसे कूल भी नहीं रहे, नहीं तो बोलने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत कम बात करते थे, बोलते थे कि अब नहीं हो पाई हमसे थोड़ी बात करते थे। यस लिखा भाई बहुत ज्यादा। हाँ वो गैस की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ गैस की थोड़ी हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि चलते फिरते नहीं है ना खाना, आप खबर है उनसे और चलते फिरते हैं ना। तो बहुत चले आज, चले हो और कहाँ कहाँ, बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर। अरे वाह अब तो अच्छे। हाँ तो अब धीरे धीरे हजम होगा खाना, ऐसे चला फिर थोड़ी करते रहा करो तो बस। थोड़े हो गर्मी आ रही है तो करके आए कथा करवानी थोड़ी ताकत। कहाँ दो जगह होने, कहाँ कहाँ कई जगह मंदिर में होने जहाँ दत्ता पुजारी आते हैं। और कहा माता राम भी ठीक देखो अब। हाँ अब ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो परेशान हो गए थे हम तो। काम नहीं उनको अखरता था, उनको पता है क्या अखरता था, उनको अखरता था रात का जगना, पापा को नींद नहीं आती थी। अब तो पापा जी तीन दिन हो गए अच्छे आराम से सो भी रहे हैं, खा पी भी रहे हैं बढ़िया। चाय देखो चाय छोड़ दी थी उनने, लेकिन अब जैसे ही आराम लगा ना चाय पीने की इच्छा होने लगी। हाँ फिर चालू हो गए। देखो जय श्री राम। जब से अम्मा अपन लोग वहां होकर आए हैं, कहाँ पे गए थे अपन लोग, लखरौनी। हाँ जब से नहीं अभी नौगांव भी हुआ है ना, नौगांव तीन दिन हुए है, तीन दिन दवाई खाई है तो उससे उनको ज्यादा। हाँ। अच्छा वो अभी अपन लोग जब गौशाला गए थे तो बोल रहे थे हम ले जा रहे हैं इनको अपने साथ। हाँ। वहीं वो सरपंच ना अपने कंधों पे टांग कर ले गए थे। अच्छा तीन चार कमरों में लेके जाना था, उनकी हिम्मत नहीं थी तो ऐसे कंधों पे ऐसे टांग टांग के लेकर गए। हाँ। ऐसे सरपंच भी होना चाहिए आजकल के जमाने में। गाइस तो हम लोग आए यहाँ पर केक लेने के लिए, क्योंकि है हमारे पापा का आज बर्थडे, कल थी पापा की एनिवर्सरी और आज है पापा का बर्थडे। तो हम लोग गाइस ले रहे हैं मस्त, कौन सा केक मम्मा, मलाई, कौन सी मलाई, रसमलाई 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 फ्लेवर का गाइस केक ले रहे हैं। तो गाइस जल्दी से हम लोग केक लेते हैं फिर चलते हैं घर। और गाइस यहाँ पे मैं खा रहा हूँ रबड़ी, छेना रबड़ी, हाँ छेना रबड़ी। तो मम्मी को दे देते हैं पकड़ने के लिए, क्योंकि हम नहीं पकड़ पाएंगे, हम मोबाइल पकड़े हैं ना। गाइस तो हम लोग घर आ चुके हैं केक लेकर, और गाइस मैंने पापा से बोला है कि पापा जाओ तैयार होकर आओ क्योंकि केक काटेंगे, पापा का बर्थडे है तो पापा अब तैयार होने गए हैं अंदर। और मम्मा तो वैसे ही तैयार हैं और मेरे को तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मेरा बर्थडे है। इसी बहाने मम्मा और पापा की कल एनिवर्सरी थी, इसका केक कट गया और बर्थडे का भी केक कट गया, इसमें मेरा क्या रोल, तो मैं भी तैयार हूँ। मम्मा तैयार है, पापा भी तैयार हो रहे हैं,
तो अपन वेट करते हैं उन लोग के आने का, और केक तो आप लोग देख ही सकते हैं, ये रखा है केक रसमलाई फ्लेवर, ये देखो रसमलाई। भूमि के बर्थडे में रसमलाई केक आया था, वो हमें बहुत टेस्टी लगा था, तो मम्मी ने कहा कि चलो पापा के बर्थडे में भी अपन रसमलाई फ्लेवर वाला केक लाएंगे, तो अपन ले आए हैं। तो पापा का इंतजार करते हैं, मिलते हैं पापा के तैयार होने के बाद। गाइस तो यहाँ पर पापा रेडी होकर आ चुके हैं, और अब पापा को लग रहा है टिक्का, बोलो टिक्का, चिक्का चिक्का चिक्का, इधर देखो डुक्को, देखा ही नहीं, इधर देव नो को देखना था। आरती उतारेंगे सन्यासी, कॉपीराइट आ जाएगी, वो उसमें वैसा आता है ना रुक रुक के वाला, नहीं आता। बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिन ये गाए, बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिन ये गाए, तुम जियो हजारों सारे के दे, तुम लोगों की है आरजू, बोलो जू जू जू, मेरे जीजू, मेरे जीजू काटो शर्मा जी, काटो केक। और ये गाइस पापा केक काटते हुए, और ये गाइस स्किबिडी डब डब, गाइस पापा ने कत्ल कर दिया है केक का, मर्डर कर दिया गाइस, देखो ये आरआईपी केक, आरआईपी रिप गाइस, कमेंट में आरआईपी केक होना चाहिए। देखो ये सबसे पहले बड़ी अम्मा को खिलाओ, फिर उसके बाद भैया को खिलाओ, फिर बाद में हमें खिलाओ, नहीं सबसे पहले बड़े पापा को खिलाओ। और ये रस मलाई केक पापा के मुंह में जाते हुए, और ये पापा ने अंदर खा लिया है, और गाइस अब पापा का मुंह बन रहा है, एकदम रिएक्शन आ रहा है, क्या पापा रस मलाई का टेस्ट आ रहा है, मजा आ गया सच सच में। तो फिर मम्मा आप भी खा लो, मम्मी को किसी से खिला नहीं, नहीं तो फिर अभी ये लो। हाँ मैं नहीं खाता किसी का झूठा, मम्मा का बस खाता हूँ। और ये मम्मा को भी केक खिलाते हुए, और मम्मा अपना थोड़ा रिएक्शन देते हुए, मम्मा का रिएक्शन कैसा है मम्मा, रिएक्शन कोई रिएक्शन नहीं, अब बच्चों को खिलाया जाएगा, अब भैया को खिलाते हुए, फिर कैमरामैन को बाद में खिलाते हुए, कैमरामैन के लिए चम्मच नहीं आई, एक कैमरामैन के लिए चम्मच, अपनी चम्मच को पकड़ लो, कैमरामैन के लिए भी चम्मच लेकर आओ, चम्मच भैया रिएक्शन मजा आया ना, है ये तो भैया का हमेशा ही रिएक्शन रहता है, केक अच्छा हो चाहे ना हो भैया का रिएक्शन यही रहेगा, अच्छा है ना भैया के ना, अच्छे ही के लिए करते हैं हमेशा। तो भैया जल्दी से मैं भी खाऊंगा, चम्मच आ रही है मेरी, है ना, अपन भी स्किबिडी डब डब करेंगे, हैंड स्किबिडी डब 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 डब, हैंड स्किबिडी डब 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 डब, आ गई मेरी चम्मच, भाई को भी खिलाया जाएगा, खिलाओ जल्दी मेरे को भी खिलाओ भीड़ू, एकदम भीड़ू मस्त केक खिलाओ, वाह 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 वाह, चम्मच को अपनी अपनी, सब अपनी अपनी चम्मच को, इतना गाढ़ा चॉकलेट है इसका, इतना गाढ़ा चॉकलेट है कि बता नहीं सकते, तो जल्दी से सबको पीस कर करके दे दो, जाओ जल्दी, छोटी छोटी प्लेट लाओ, छोटी छोटी प्लेट ले आओ चार, गाइस तो यहाँ पर हम लोग की प्लेटें आ चुकी हैं, और हम लोग को केक भी मिल चुका है, तो भैया शुरू करो, आराम से टेस्ट लेके खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं भी गाइस मस्त टेस्ट लेके खाता हूँ, फिर बाद में आप लोग से मिलता हूँ, नीचे भी जा रहा है केक, फिर बड़े पापा खाएंगे, बड़ी अम्मा को अभी खाना नहीं है। गाइस तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग के लिए एक लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल सुबह के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय, नहीं मिलते हैं कल सुबह के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय।